इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। मंदिर म्हणून ज्या संसदेकडे आपण बघतोय त्या संसदेमध्ये हैदराबादचा एमआयएम पक्षाचा खासदार ओएसी त्याच्या भाषणामध्ये जे फिलिस्तीन म्हणतो खऱ्या अर्थानं त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। एकीकडं पाकिस्तानाचे गोडवे गायचे जे फिलिस्तीन म्हणायचं अशा वेगवेगळ्या गोष्टी करून या भारताला तोडण्याचं काम याआधी ओएसीच्या माध्यमातनं बरेचदा झालेलं आहे आणि यापुढं पण आपल्याला बघितलं असेल संसदेत व्हायला लागलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टीचा शिवसेना पक्ष जाहीर निषेध करत आहे। त्या ओएसीला आम्ही एवढंच सांगतो की या भारताची संविधानाची अपमान आपण जर करत असाल तर कदापि भारतीय नागरिक सहन करणार नाही आणि आपण जे आज नवीन पायंडा पाडताय त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। प्रत्येक व्यक्तीला पूर्ण अधिकार आहे तो जे मी म्हणू शकले असते जे भीम म्हणू शकले असते किंवा त्याच्या आपापल्या पक्षाचा जातीचा अभिमान असणं हे राहत आहे पण जे फिलिस्तीन म्हणून खऱ्या अर्थानं आपल्या भारतीय संविधानाचा अपमान आहे मी त्यांची खासदारकी रद्द झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी विनंती करतो। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और सवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहां नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड वॉलीबॉल कोर्ट बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना जिसमें टेबल टेनिस चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स हैं, राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टैक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे अजान और कीरत कॉम्पिटिशन वेजिटेबल मार्केट डे वुजू डे सलाह डे मैथ्स क्विज एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।